सुमन अपने पति विनोद के साथ उसके गांव चली जाती है। सुमन गर्भवती थी, ये देखकर उसकी सास डरते हुए बोलती है, बेटी तुझे इस अवस्था में गांव में नहीं आना चाहिए था, और विनोद तू तो सब जानता है, फिर भी बहू को ऐसी अवस्था में गांव लेकर आ गया, थोड़ी अक्ल वक्ल है भी या नहीं? माँ, मैंने तो सुमन को बहुत मना किया, पर यह है कि जिद करने लगी, फिर वहाँ इसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं था, इसीलिए मैंने भी सोचा कि इसको आपके पास ही लेकर आ जाता हूँ। पर बेटा, माँ जी आप इतनी डरी हुई क्यों हैं, और आप ऐसे क्यों बोल रही हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? बेटा मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जो भी गर्भवती होती हैं, चुड़ैल उसके गर्भ में ही बच्चे को मार देती है, इसीलिए यहाँ कोई भी औरत माँ नहीं बन पाती। हे माता रानी, इस गांव की रक्षा करना, इस गांव पर चुड़ैल का साया है। बेटा इस वजह से मेरी बाकी की बहुएं बिना औलाद के ही हैं, उनको कोई भी औलाद नहीं हुई है, वो गर्भवती तो होती हैं, लेकिन चुड़ैल उनके बच्चों को गर्भ में ही मार देती है। पर माँ जी आप इस बार निसंकोच हो जाइए, क्योंकि जल्द ही नवरात्रि आने वाली है, और देवी माँ अपने भक्तों पर नवरात्रों में असीम कृपा बरसाती हैं। देवी माँ की सच्ची भक्ति की जाए तो वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। मैं तो यहीं रहकर नवरात्रि मनाऊंगी और देवी माँ से प्रार्थना करूंगी, तभी बाकी बहुएं भी वहाँ पर आ जाती हैं। और बड़ी बहू बोलती है, बहन हमने भी देवी माँ की उपासना की थी, लेकिन चुड़ैल ने हमको बोला था कि अगर हम देवी माँ की उपासना करेंगे तो वो हमारे बच्चे को मार देगी। इतना कहकर बड़ी बहू रोने लगती है, तभी दूसरी बहू कहती है, लेकिन बहन बड़ी दीदी ने फिर भी देवी माँ की उपासना की, जिससे गुस्सा होकर चुड़ैल ने इनके बच्चे को मार दिया, और हम सबके साथ भी ऐसा ही किया, जिस कारण हम कभी भी माँ नहीं बन सके। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, अगर सच्चे मन से देवी माँ की उपासना की जाए तो वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ नवरात्रों का पूजन करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम देवी माँ की भक्ति करने को तैयार हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है, क्योंकि सासू माँ ने हमें बताया है कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो और तुम्हारे ऊपर उनकी असीम कृपा है। हाँ ये बात तो सच है, मेरे काम में जब भी बाधा आती है तो मैं सुमन को बताता हूँ, सुमन कहती है कि देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी और मेरा काम भी बन जाता है। सच में मुझे पत्नी के रूप में एक देवी मिली है, जिस पर दुर्गा की असीम कृपा है और जो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है। ये सुनकर बाकी बहुएं भी खुश हो जाती हैं, और अगले दिन से सुमन के साथ सब बहुएं नवरात्रों के व्रत रखती हैं। नवरात्रों के व्रत के पहले दिन ही चुड़ैल सुमन के घर के सामने पेड़ पर बैठी थी, तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है। अरे वाह, एक और गर्भवती औरत, पर ये मेरी नजरों से बच कैसे गई? चलो जो भी है, इसके बच्चे को तो मुझे अपना शिकार बनाना ही होगा। फिर चुड़ैल चोरी चोरी सुमन पर नजर रखती है, और नवरात्रि के आखिरी दिन सुमन की सास उससे बोलती है, बेटे हमारे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, जिस वजह से कोई भी दूसरे गांव वाला हमारे घर में अपने बच्चों को नहीं भेजेगा, मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई हमारे घर में अपनी कन्याओं को आने देंगे। हाँ सुमन, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, हम एक काम करते हैं, गाय को ही खाना खिलाकर उद्यापन कर लेते हैं। हाँ सुमन, बड़ी बहू बिल्कुल सही बोल रही है, वैसे तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम ये व्रत रखो, क्योंकि चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देती है, लेकिन जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कम से कम ये बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख लेना, हमारे घर कंजक भी आएंगी और भोजन भी ग्रहण करेंगी, देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी। ठीक है, अगर तू जिद करती है तो कुछ देर में कंजक का इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ देर में कोई कंजक नहीं आई तो मेरी बात मान लेना। ठीक है माँ जी, पर मुझे पता है मेरी माँ मेरा साथ जरूर देंगी और कोई ना कोई कंजक हमारे घर जरूर आएगी। फिर सास बहू सब मिलकर देवी माँ की उपासना करती हैं। फिर सास अपनी बहू के लिए गाँव के घरों में कंजक ढूंढने जाती है और सबको कहती है, अगर आपको कोई कंजक मिले तो हमारे घर में जरूर भेज देना, मेरी बहू ने व्रत रखा हुआ है। इतना कहकर सास दूसरे घर में जाकर कहती, बहन जी अगर आपके घर में कोई कंजक आई हो तो हमारे घर भेज देना, मेरी बहुओं ने व्रत रखा था। अरे कैसी बात करती हो बहन जी, जब से इस गांव पर चुड़ैल की बुरी नजर पड़ी है तब से कोई भी रिश्तेदार अपनी बेटी को हमारे गांव में नहीं भेजता। सुमन की सास ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है, और वो जितने भी घर जाती है उसे यही सुनने को मिलता है, तो वो अपने घर के बरामदे में लगे पेड़ के पास खड़ी होकर अपनी बहू को सब बता देती है। सुमन ये सुनकर रोने लगती है और देवी माँ के सामने जाकर कहती है, माँ
ये कैसा गांव है, यहाँ कोई भी अपनी लड़कियों को जीवने के लिए नहीं भेज रहा, मेरा उद्यापन कैसे होगा माँ? बेटा तुम चिंता मत करो, माता रानी सब सही कर देंगी। उन दोनों की ये बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है, तो वो बोलती है, तो कुछ भी कर ले पर तेरा ये उद्यापन इस जीवन में मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे गर्भ में पल रहे इस बच्चे को खा जाऊंगी, तू अब देखना तेरे साथ क्या होता है। सुमन इस बात से बेखबर थी कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल थी। फिर चुड़ैल कंजक का वेश बनाकर अपने साथियों को सुमन के घर लेकर जाती है और सुमन से कहती है, आपने हमें बुलाया था इसीलिए हम कन्या जी ने आपके घर आ गए हैं। सुमन कंजक को देखकर बहुत खुश होती है, पर फिर वो उन्हें बोलती है, पर गांव के सभी लोगों ने तो मना कर दिया था कि वो अपनी कन्याओं को हमारे घर नहीं भेजेंगे, फिर तुम कैसे आ गई हो? हम अपने घर पर भी तो कुछ बताकर नहीं आए हैं, हमने तुम्हारी सास के मुंह से तुम्हारी भक्ति भाव के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए हमें लगा कि हमें तुम्हारे घर आना चाहिए। क्या तुम हमें भोजन नहीं करवाओगी? क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर आए हैं और मैंने माता रानी के पूरे नवरात्रि के व्रत रखे हैं, तो उनका प्रसाद बनाया है, आप उसको ग्रहण कीजिए और मेरा व्रत पूर्ण कीजिए, आइए अंदर आइए। फिर सुमन कंजक लड़कियों को लेकर अपने घर में चली जाती है और उनको बैठाकर भोजन कराने लगती है। तभी चुड़ैल अपनी आँखों से सुमन के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुमन के गर्भ के चारों ओर एक जादू का गोला बन जाता है जिससे चुड़ैल की शक्ति सुमन के गर्भ में प्रवेश नहीं कर पाती। ये क्या हुआ, ये कैसी माया है, मेरी शक्ति इसके गर्भ में क्यों नहीं जा रही, आज तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, फिर आज कैसे मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई? फिर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है, और चुड़ैल का डरावना रूप देखकर सब घर वाले डर जाते हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में बोलती है, मैंने सोचा था कि तेरे इस बच्चे को कंजक के रूप में मार दूंगी, लेकिन लगता है तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मार पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मुझे अपने असली रूप में आना पड़ा, अब मैं तेरे गर्भ को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने हाथ में एक छुरा उठा लेती है और सुमन के गर्भ पर वार करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो मारने वाली होती है उसका हाथ वहीं रुक जाता है। ये देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और फिर दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो सफल नहीं हो पाती। चुड़ैल, देवी माँ मेरे गर्भ की रक्षा खुद कर रही हैं, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अपने इरादे बदल दे वरना देवी माँ तुम्हारा भी अंत कर देंगी। इतना भरोसा है तुझे अपनी देवी माँ पर, तो मैं पहले तुझे ही खत्म कर देती हूँ। फिर चुड़ैल सुमन का गला पकड़ लेती है और उसको दबाने लगती है, धीरे धीरे सुमन का दम घुटने लगता है। तभी सुमन दर्द से तड़पते हुए बोलती है, माता रानी मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी वहाँ पर इतनी तेज रोशनी चमकती है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये कैसी रोशनी है, इससे तो मेरी आँखें खुल ही नहीं पा रही है। तभी रोशनी थोड़ी कम होती है और सब देखकर चौंक जाते हैं कि माता रानी वहाँ खुद प्रकट हो जाती है और गुस्से से चुड़ैल को कहती है, दुष्ट चुड़ैल, आज तक तूने इतने बच्चे को उनकी माँ के गर्भ में मार दिया, वही आज तू सुमन के बच्चे के साथ करने वाली थी, पर इस बार तेरी किस्मत खराब थी क्योंकि सुमन मेरी परभक्त है और मेरे होते हुए इसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अच्छा देवी, तो ये सब तुम कर रही थी, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मजबूरन मुझे युद्ध करना होगा। माता रानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अपने त्रिशूल से चुड़ैल का हाथ काट देती है। ये देखकर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और देवी माँ पर ही हमला कर देती है। अब बहुत हुआ तेरा आतंक चुड़ैल, अब तक मैंने तुझे सुधरने का मौका दिया था लेकिन तू काबिल नहीं है। इतना कहते ही देवी अपने नेत्रों से चुड़ैल को भस्म कर देती है। पास में खड़ी सुमन और उसका परिवार माता के चरणों में गिर जाता है। तभी सुमन कहती है, माँ जी देखा, मैंने कहा था ना कि देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। आज माँ ने मेरे गर्भ को बचाकर फिर से भक्ति की शक्ति का एहसास करवा दिया। माता रानी जय हो माता रानी। माता रानी सुमन को उठाते हुए बोलती है, बेटा बेटा सुमन, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मुझे स्वयं ही आना पड़ा, और जब जब कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरे नवरात्रि के व्रत करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहते ही देवी माँ विलुप्त हो जाती हैं और उस दिन के बाद से लोगों में देवी माँ के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है।
और पूरी श्रद्धा से हर साल नवरात्रि में माँ का अच्छे से उद्यापन करते हैं और फिर कुछ समय बाद सुमन के घर में लक्ष्मी पैदा हो जाती है। एक तालाब के किनारे भूषण नाम का मछुआरा अपनी पत्नी कलावती और पोती रुंझुन के साथ रहता था। भूषण एक ही पैर से चल पाता था क्योंकि वो विकलांग था, लेकिन फिर भी वो अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला लेता था क्योंकि वो रोज मछली पकड़कर बेचता था और सबका सम्मान करता था, साथ ही सबकी जरूरतें पूरी करता था। एक दिन भूषण अपनी पोती को कहता है, अरे रुंझुन, रुंझुन बेटा, चल जल्दी तैयार हो, हमें मछली पकड़ने भी जाना है। अगर मेरे बुढ़ापे में तू मेरे साथ ना होती तो हम लोग तो भूखे ही मरते। मैं बस मछली पकड़ना जानता हूँ, लेकिन उसको इधर उधर बेचने का काम तू ही करती है। चल अब तू जल्दी से मेरे साथ चल। दादाजी, मैं अभी चलती हूँ, आज दादी ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, पहले मैं इसको खा लूँ। हाँ, तू कह तो सही रही है बेटी, ये कलावती खीर तो बहुत अच्छी बनाती है। अरे कलावती, थोड़ी सी खीर हमें भी खिला दे, क्या सारी खीर रुंझुन को ही खिलानी है? हाँ, वैसे रुंझुन मेरी लाडली बेटी है, तो मैंने तो इसी के लिए खीर बनाई थी, क्योंकि इसको खीर बहुत पसंद है। खीर तो हमें भी पसंद है, पर कोई हमारे मन की भावना समझे तभी तो, थोड़ी सी खीर हमें भी दे दो। ठीक है जी, तुमको सिर्फ थोड़ी सी ही खीर मिलेगी और बाकी बची हुई फिर अपने साथ ले जाना, इसको रुंझुन दोपहर में भूख लगने पर खा लेगी। दादी, मैंने दादा से कहा था मुझे एक अच्छे से कपड़े दिला दे, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं है। बेटा, मैं जवान से बूढ़ी हो गई हूँ, आज तक इन्होंने मेरी पसंद का कपड़ा तक नहीं दिलाया है। कम से कम बच्चे की पसंद का कपड़ा तो दिला सकते हो, ये अकेली ही तो है, इससे ही हमारी सारी खुशियाँ हैं। कलावती, मुझे भी पता है किससे हमारी खुशियाँ हैं और किससे नहीं। मुझे तो बस अच्छा लगता है जब रुंझुन मुझसे जिद करती है और लड़ती भी है, बस इसके इसी लाडपन को देखने के लिए मैंने इसे अच्छे कपड़े नहीं दिलाए। लेकिन आज शाम को जब हम बाजार से वापस आएंगे तो इसके लिए अच्छे से कपड़े लेकर आएंगे। दादी, आपके कहने का असर तो एकदम हो गया दादाजी पर, वरना ये मेरी तो सुनते ही नहीं है। हाँ, पूरा दिन तो बोलती रहती है और कहती है मैं तेरी सुनता नहीं हूँ। अरे दादाजी, अब चलो भी, वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो, खुद बातों में लगा रखा है सबको और बोलती है देर हो जाएगी। अरे खीर तो भूल ही गए जी, उसको तो ले जाइए। लाओ दादी, मुझे दो, मैं लेकर चलूंगी, वरना दादू फिर से कहीं पर भूल जाएंगे। फिर भूषण और रुंझुन दोनों तालाब के किनारे मछलियाँ पकड़ने चले जाते हैं। बेटा, ओ बेटा रुंझुन, आज बाकी दिनों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मछलियाँ पकड़ी गई हैं। चलो इनको बाजार में बेच कर आते हैं। चलो दादू। फिर दोनों बाजार में पहुँचते हैं। दादाजी, आप यहाँ पर बैठ जाइए, ज्यादा चलिए मत, मैं सारी मछलियाँ बेच कर आती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची, तू चली जा। फिर रुंझुन मछलियाँ बेच कर आती है और बोलती है, दादाजी देखो कितने सारे पैसे हो गए हैं, आज बहुत अच्छे भाव में मछलियाँ बिकी हैं। तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है, तू जो भी काम करती है बहुत अच्छे से करती है। मेरी बेटी हीरा है हीरा, मेरा बुढ़ापे का सहारा तू ही बनेगी। हाँ दादाजी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, और आपको याद है ना दादी ने क्या कहा था? हाँ मुझे याद है, चलो तेरे लिए कपड़े लेने चलते हैं, और एक साड़ी उस बुढ़िया के लिए भी ले लूँ, खुश हो जाएगी। फिर भूषण कपड़े की दुकान से रुंझुन को एक अच्छा सा फ्रॉक और कलावती के लिए साड़ी लेकर घर चला जाता है। दोनों दादा पोती आ गए, चलो अब खाना खा लो। अरे दादी, खाना बाद में खाएंगे, पहले ये देखो मेरे कितने अच्छे कपड़े लग रहे हैं। पहन कर दिखा, ऐसे थोड़ी कुछ पता चलेगा, ऐसे अच्छे लग रहे हैं वैसे। अभी रुको दादी, मैं अभी आई। रुंझुन कपड़े पहन कर आती है
अरे वाह मेरी बेटी, तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, तुझे किसी की नजर ना लगे। हम आपके लिए भी एक साड़ी लेकर आए हैं, ये देखो दादी माँ। अच्छा जी, लगता है मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मेरा ध्यान रखने लगी है। दादी ये मैंने नहीं ली, दादा ने ली थी। अच्छा जी। रुनझुन, अरे बेटी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। दादाजी अगर आप कहो तो मैं ऐसे ही इन कपड़ों में सो जाऊं। बेटी तेरी मर्जी है, तुझे जैसा करना है वैसा तू कर। तीनों रात में सो जाते हैं, तभी भूषण को एक सपना आता है जिसमें यमराज उससे बोलते हैं, जिस लड़की से तू इतना प्यार करता है मैं उसके प्राण लेने आया हूँ, उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी, कल का दिन उसका आखिरी दिन होगा और फिर तू उसके साथ कभी नहीं रह पाएगा। ये सब सुनकर भूषण डर जाता है और सपने से जाग जाता है। हे भगवान, ये सपना कभी सच ना हो। फिर भूषण देखता है उसके सामने यमराज खड़े थे। भूषण, जो तुमने देखा वो सपना नहीं था, हकीकत थी, कल मैं तेरी पोती के प्राण हरण करूंगा। लेकिन यमराज जी, इतनी छोटी सी उम्र में उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो उसके प्राण हरण कर रहे हैं आप? आपको प्राण ही चाहिए तो मेरे प्राण ले जाइए, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ मत करिए। ये तो कर्म के खेल हैं, उसकी जिंदगी यहीं तक थी और कल उसके प्राण हरण का दिन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो, मुझे भयंकर से भयंकर यातनाएं दो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पोती के प्राण बख्श दो, उस नादान ने अभी देखा ही क्या है। हम समय के चक्र को नहीं बदल सकते, कल तुम्हारी पोती का अंतिम दिन होगा, जितना उसके साथ समय बिता सकते हो बिता लो। ऐसा कहकर यमराज गायब हो जाते हैं। भूषण पूरी रात सोता नहीं है और रोता रहता है। सुबह उठकर कलावती बोलती है, तुम्हारी आँखों को क्या हुआ है जी, तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं हुआ, रुनझुन कहाँ है? दादाजी मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? आज मैं तुझे खुद से जरा भी दूर नहीं होने दूंगा। वो तो ठीक है दादाजी, पर चलो अब हमें मछली पकड़ने भी तो चलना है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। भूषण यमराज की बातों को याद करते करते परेशान था और वो किसी को कुछ नहीं बता रहा था। भूषण और रुनझुन मछलियाँ पकड़ने तालाब किनारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही तालाब में मछलियाँ पकड़ने बैठते हैं तो तालाब में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और पानी चारों तरफ फैल जाता है, वो दोनों उसमें बह जाते हैं। ये देखकर भूषण रुनझुन से बोलता है, रुनझुन तू मेरा हाथ पकड़ ले, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तब रुनझुन बोलती है, नहीं दादाजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, तुम ही मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तेरा हाथ पकड़ूं या तू मेरा हाथ पकड़े, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटी? मैंने जो कहा वही करो, आप मेरा हाथ कस के पकड़ लो। भूषण रुनझुन का हाथ बहुत कस के पकड़ लेता है और बाढ़ से भरे पानी में होकर गुजरने लगता है। पानी का उफान उन्हें बहाता हुआ ले आता है, लेकिन भूषण रुनझुन का हाथ नहीं छोड़ता और वो दूसरी ओर निकल जाते हैं। उधर यमराज प्रकट होते हैं। भूषण, तेरी वजह से आज तेरी बच्ची बच गई। यमराज जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, आपने तो कहा था कि वो मुझसे दूर चली जाएगी। हाँ अगर बच्ची तेरा हाथ पकड़ती तो जरूर मर जाती, लेकिन तूने बच्चे का हाथ इस तरह से पकड़ा कि उसे छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि तेरे प्राणों पर भी बनाई, फिर भी तूने बच्ची का हाथ नहीं छोड़ा। तूने एक सच्चा दादा और पिता होने का फर्ज निभाया है, पिता किसी भी परिस्थिति में बच्चों के हाथ नहीं छोड़ता, इसीलिए तू रुनझुन को जिंदा लेकर इधर आ गया, वरना ये बीच में ही मरने वाली थी। इस प्रकार रुनझुन यमराज को हराकर अपने विकलांग दादा और अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।